दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सॉरी बेबी। ओह नो नो नो। ये मोहल्ले में नया है ना? ओ भाई, बहन है तेरी? नहीं है, और तुम जैसे लोग हो तो होनी भी नहीं चाहिए। अरे भाई, कल रक्षाबंधन है इसलिए बोल रहा था। बगल में मेरा घर है, आ जाना, बहन इंतजार करेगी। जिनकी होती है बहुत पैसे हमारे पास, कल ही शॉपिंग पे जाएंगे। हाँ तो मैंने मना किया, कल ही जाएंगे शॉपिंग पे, बस खुश। थैंक यू। अरे मम्मी का फोन आ रहा है। लो जाग गई मम्मी। हाँ मम्मी, कैसे आप? 10,000 रुपए चाहिए मम्मी को। 10,000 रुपए चाहिए? पागल हो क्या? क्यों, हमारे पास नहीं है पैसे। मम्मी क्या करेंगे आप 10,000 रुपए का? इलाज करवाना है। सरकारी हॉस्पिटल में हो जाएगा इलाज? मम्मी सरकारी हॉस्पिटल में करा लीजिए ना इलाज। अच्छा, वहाँ पे बराबर से ख्याल नहीं रखते? सब बराबर ख्याल रखते, वैसे ही 2-4 दिन की मेहमान है। मम्मी आप एक काम कीजिए ना, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा लीजिए, हम लोग के पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ, अपना ख्याल रखिए सासू माँ। नो 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 नो। अबे मोटी, हाथ हटा, उसको बैठने दे। आज के बाद मुझे मोटी बोला ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। तो तलाक देने के बाद तू पतली हो जाएगी? किससे बात कर रहा है? गर्लफ्रेंड बन गई मेरी। अच्छा सुनना, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, ख्याल रखना हमेशा, और किसी और की वजह से छोड़ना मत उसे। भाई मुझे पता है गर्लफ्रेंड को कैसे रखते हैं, मैं माँ की बात कर रहा हूँ। तेरी उंगली पकड़ के चला। अरे भाई चल आज एक गेम खेलते हैं, ठीक है? मैं तुझे गोली मारूंगा, तू मुझे गोली मारना। ओके ओके चल मार। अबे रुक जा, तुझे भी तो गोली मारनी है। अरे ओ चल ले। अरे साला साइड हो। मुझे लगता था कि तेरे अलावा कुछ नहीं है मेरे पास खोने के लिए। मुझे लगता था कि तेरे अलावा कुछ नहीं है मेरे पास खोने के लिए। एक दिन माँ से लड़कर आया था तेरे साथ सोने के लिए, और जब मुझे मौत के मुंह में धकेल के अपना रास्ता बदल लिया था ना तूने, तो मेरी माँ ने जगा दी थी अपनी गोद में रोने के लिए। आज भी कोई। हे भगवान, मेरी शादी किसी समझदार लड़के से करवा दो। घर जाओ बेटी, समझदार लोग शादी नहीं करते। अरे लगता है मेरा पति आ गया, जल्दी भागो। एक मिनट, तेरा पति तो मैं हूँ, तो तू मुझे क्यों भागने को बोल रही है? अच्छा कमीने, अगर तू मेरा पति है तो भागा क्यों? सुनना। हाँ? अगर मैं हिमालय पर जाऊँ तो तू मुझे क्या देगी? जोर से धक्का। अपने ही गिराते हैं नशे मन। जहर वाला केला। बेबी बेबी मुझे भी केला खाना है। नहीं बेबी प्लीज ना। अबे मार 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 बंदारा, मार 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 बंदारा, मार। ये क्यों भाग रहे सारा ना पीरी दीदी? अबे मेरे को फोन आया, डरो मत, वापिस आओ, फोन आया था मुझे तो। भाई वो तुझसे मिलना चाहती है। मुझे नहीं मिलना उससे। जैसे तू यहाँ रो रो के मर रहा है, वैसी वो वहाँ मर रही है। मरने देना उसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ले अभी फोन आएगा, उससे बात कर। मुझे नहीं करनी उससे बात, मुझे नहीं करनी। हेलो हेलो। हाँ पापा, ठीक हूँ पापा, आ रहा हूँ घर, ठीक हूँ पापा। सेक्सी है यार। अरे भाई तूने नहीं देखी क्या? नहीं भाई। क्यों? सोच और नियत तो दिमाग की गंदी होती है, वरना जिस्म की बनावट तो बहन की भी वही होती है।
भाई भाई ये ले 1,00,000 रुपया, मैंने अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए उसको जमा किया था, अगर मैं आ जाऊंगा रिटर्न वापस तो मुझे दे देना, नहीं तो मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए वहाँ पे पहुँचा देना हॉस्पिटल प्लीज। कहाँ चला गया यार, इतनी देर हो गई अभी तक आया नहीं आ रही है, इतना टाइम हो गया कॉल तो करता हूँ यार, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है यार इसका, एक और बार कर लेता हूँ। कहाँ गया यार, इसका कॉल भी नहीं लग रहा है, क्या करूँ, एक काम करता हूँ ये पैसे हॉस्पिटल पहुँचा देता हूँ उसके मम्मी तक। ये क्या यार इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है, लगता है कोई जानवर मर गया। अरे भाई क्या हो गया आपको, भाई क्या हो गया, मैंने मेरी दोनों किडनी बेच के अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए 1,00,000 रुपए जमा किए, यदि मुझे अगर कुछ हो जाए तो मेरी माँ तक का मेरे पैसे पहुँचा दीजिए। और भाई क्या हो गया जी, भाई मूड खराब है यार, मम्मी से लड़ाई होगी। क्यों? अरे यार खाने में दाल चावल बना दिया, पता उन्हें नहीं खाता फिर भी जानबूझ के बना देते, मैं बात ही नहीं करूंगा उनसे। कोई बात नहीं यार, मम्मी है तेरी, मम्मी नहीं है ना, तेरी मम्मी होती तब तेरे को पता चलता। अच्छा चल, तेरे को भगवान से एक विश मांगी होगी तो तू क्या मांगेगा? मैं यही विश करूंगा, मुझे ऐसी मम्मी दे जो मेरे बोलने से पहले सारी विशेष पूरी कर दे। और अगर तेरे को मांगनी होगी तो तू क्या मांगेगा? यार मैं कोई विश वगैरह तो नहीं मांगूंगा, बस मैं ये मांगूंगा कि मुझे बस माँ मिल जाए। तुझे सब है पता है ना माँ। मम्मी पता चला बाजू वाले आंटी को कोरोना हो गया है। गाली दे? अरे नहीं भाई। अरे गाली दे? अरे नहीं नहीं। अरे गाली दे भाई, क्यों मार रहे हो? गाली नहीं दे रहा है। दे तो रहा हूँ। अरे भाई ये तोतला है, गाड़ी मांग रहा है। देख तेरे बंदे को आज मैं लूटती हूँ। तू लूट ही नहीं पाएगी, देख देख तेरे बंदा आ रहा है, चुप रही हो। हाय हाय यार अभिषेक, मुझे 100 रुपए दे दो, मैं तुम्हें कल दे दूंगी। 500 ले लो अभी दे दो। टिकट 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 दिखाओ भाई। हाँ अब क्या करूं, पुराना टिकट है, लाओ कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ये लो साहब, बाथरूम में गिर गया था, ठीक से पकड़ना। हटाओ हटाओ, हमारे हाथ में मत दो। ठीक है बैठ जाओ। अरे क्या लड़का जा रहा है यार। अरे यार बहुत सही लग रहा है, तो मेरा है पक्का मेरा है। अरे देख क्या बॉडी है यार। हेलो। अरे क्या, अरे रखो बाद में आता हूँ। किसका फोन था भाई? अरे मेरी माँ का फोन था, बार बार फोन करके खाना खाने के लिए परेशान कर रही है। अपनी माँ के पास बैठा करो, कुछ लोग अपनी माँ से मिलने कब्रिस्तान जाते हैं। वाह अनु, कितना प्यारा बेबी है तेरा। बेबी नहीं, छोटी बहन है। नहाने के लिए ठीक 5 बजे गर्म पानी मिल जाना चाहिए, वरना क्या? वरना मैं ठंडे पानी से नहा के चला जाऊंगा। भाई बेटी की शादी में सबसे ज्यादा माँ ही रोती है ना? नहीं भाई, पिताजी रोते हैं। कैसे भाई? क्योंकि पूरे परिवार की परवाह करने वाले पिताजी होते हैं और उनकी परवाह करने वाले सिर्फ एक बेटी होती है भाई। पापा मैं छोटी सी